हाँ, मेरे पापा आए थे इससे मिलने के लिए। चेहरा वही है। अरे मजा आता है इसको बहुत। हैप्पी होली मिस्टर प्रतीक पांड्या। थैंक यू भाई। येलो मैं येलो। हैप्पी होली। डाल दो पूरा डाल दो। हैप्पी होली। मां चाट बना रही थी तो शोर भी बोला पापा को भी पूछ लो, पापा भी खा लेंगे। मुझे भी एक दे दो, मैं खा लूंगा ये। बॉस ये तो दही पूरी है, मैं तो दही आदि खाना चाहता हूँ। हम खाएंगे एक गुजिया जो हमारी मैडम ने स्पेशली हमारे लिए बनाई है। कैसी बनी है देखते हैं। अच्छा तुम भी खाओ। रूहान का पहला रमजान, पहली होली। अब देखना ये है क्या रूहान के नानू आएंगे रूहान से मिलने होली। अब सवाल ये है कि रमजान का महीना है, क्या दीपिका शेम होली सेलिब्रेट करने वाले हैं या नहीं। कभी दीपिका के पापा को होली खेलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हाँ वो होली पर आते हैं अपनी बेटी और दामाद से मिलने होली विश करने के लिए। जहाँ पर दीपिका पहले से ही काफी कुछ बनाकर रखती है होली के दिन, और यहाँ तक कि वो गुजिया भी बनाती है जिसे खाकर शेप बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। शेप को गुजिया बहुत ज्यादा पसंद है। अब रूहान की ये पहली होली है, क्या रूहान के नानू रूहान को होली विश करने आते हैं या नहीं, आपको क्या लगता है। और जिस तरह से नानू रूहान से बहुत प्यार करते हैं, काफी इंजॉय भी करते हैं उसके साथ। रूहान की माशाल्लाह एक बहुत अच्छी बात है, आपने देखा होगा रूहान जब भी फर्स्ट टाइम किसी गोद में जाता है तो वो कभी भी रोता नहीं है, वरना बच्चे नया चेहरा देखकर रोने लगते हैं, लेकिन कभी भी माशाल्लाह रूहान को रोते हुए नहीं देखा। अब आप जो जाना चाहते हैं वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।